हेलो दोस्तों, रुई लोपेस चेस ओपनिंग ट्रैप्स, बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप्स मैंने आपको दिखा दी है और भी बहुत सारे ट्रैप्स आपको देखने बाकी है। शुरू करते हैं रुई लोपेस। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 bb5 h6 देन बिशप a4 नाइट f6 कैसल। यहाँ पे पहला जो ट्रैप है उसमें बिशप c5 ब्लैक खेलता है, नाइट टेक्स e5, नाइट इनटू e4, ये ब्लैक का है काउंटर। आफ्टर क्वीन e2 नाइट टेक्स e5 क्वीन टेक्स e5। अब जो नाइट है e5 पे वो पिन हो चुका है, उससे बचाने का बेस्ट चॉइस है क्वीन e7 या क्वीन f6। क्वीन f6 यहां पे आप d4 करके अटैक करोगे। आफ्टर बिशप टेक्स d4 देन कंटिन्यू अटैक ऑन c3 बिशप c5 बिशप f4। अब देखो यहां पे जो पॉन पिन है उसकी वजह से डी सपोर्ट नहीं करता है, तो बिशप d6 फोर्स में हुए, बट आफ्टर रुक e1 ब्लैक विल टोटली लॉस हिज नाइट। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, e4 e5 nf3 bb5 a6 सेम वेरिएशन है कैसल। यहां पे ब्लैक बिशप c5 के बदले नाइट इनटू e4, नाइट e4 में यहां पे आपको खेलना है d4, ब्लैक रिप्लाई देगा b5 बिशप b3 देन d5। अब पहले a4 ब्लैक रिप्लाई देगा b4, उसके बाद आपको a5 आइडिया है बिशप a4 पेनिंग का। यहां पे ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप e7 क्योंकि किंग सेंटर में है और व्हाइट का कंप्लीटली कैसल हो चुका है। यहां भी ब्लैक ट्रैप में फंस सकता है, कैसे? सबसे पहले पॉन टेक्स पॉन, आइडिया बिहाइंड दिस मूव बिशप टेक्स d5 विथ डबल अटैक ऑन बोथ नाइट। तो ब्लैक के पास बेस्ट चॉइस होगा बिशप e6, बट आफ्टर बिशप a4 यहां पे कंप्लीटली ब्लैक लॉस है क्योंकि नाइट पिन हो चुका है, नाइट को बचाने के दो ही मूव है क्वीन d7 और बिशप d7। इफ क्वीन d7 देन सिंपल नाइट d4 और यहां पे नाइट ट्रैप। अगर बिशप d7 करता है तो आप क्वीन d5 विद डबल अटैक ऑन c6 और e4, यहां भी आपको नाइट मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रैप है e4 e5 nf3 bb5 a6 बिशप a4 नाइट f6 कैसल, और यहाँ पे ब्लैक खेलता है d6। d6 में यहाँ आप खेलना है क्वीन e2, आफ्टर b5 बिशप b3 एंड नाइट a5 और यहाँ आपको करना है d4। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप g4 पिनिंग, बट आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, यहां पे देखो एक एक मिस्टेक में ट्रैप होती है दोस्तों, बिशप g4 नहीं किया तो आपको अपने हिसाब से गेम कंटिन्यू करना है। तो इसी मूव में अगर ब्लैक ने bg4 पिनिंग किया तो यहां पे आपके पॉन टेक्स पॉन उसके बाद बिशप सेक्रीफाइस बिशप f7 किंग f7 और नाइट टेक्स e5 फोर्क, और उसके बाद आपको अपना पीस वापस मिलता है और एक पॉन सिंपल आप होके आप गेम जीत सकते हैं। दोस्तों ये अगली वाली जो ट्रैप है ये सिंपल मूव है बिशप e7 में, फिर भी आप उसे ब्लैक को ट्रैप में ले सकते हो। हाउ इट पॉसिबल e4 e5 नाइट f3 bb5 a6 और यहां तक के मूव सेम है, यहां पे ब्लैक खेल रहा है बिशप e7। अब दोस्तों देखो यहां पे व्हाइट का कैसल हो चुका है, सिंपल आप पॉन प्लस हो रहे हो, और कैसे हो रहे हो? क्वीन e2, पहले अपने पॉन को सपोर्ट करो,
ब्लैक रिप्लाई देगा कैसलिंग, देन बिशप टेक्स नाइट, आफ्टर डी टेक्स बिशप, नाइट टेक्स e5। अब ब्लैक को लगता है कि उसे पॉन वापस मिल रहा है, लेकिन अगर वो पॉन वापस लेने जाएगा तो सिंपल ट्रैप में आ जाएगा, जैसे कि क्वीन d4 विथ डबल अटैक ऑन नाइट और पॉन। यहाँ आपको सिंपल खेलना है नाइट f3, आफ्टर क्वीन टेक्स e4, क्वीन टेक्स e4, नाइट टेक्स e4, देन रुक e1। यहाँ पे देखो आप नाइट और बिशप सेम लाइन में है, तो क्वीन हो चुका है नाइट, तो नाइट को बचाने के लिए व्हाइट खेलेगा, ब्लैक खेलेगा f5, और यहाँ पे आफ्टर d3 सिंपल व्हाइट विल विन अ पीस, बिकॉज ऑफ नाइट इज विन, नाइट मूव करेगा तो आपको उसका e7 वाला बिशप मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अभी भी 5-6 ट्रेप बाकी है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेवंथ ट्रैप है, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे एक्सचेंज वेरिएशन में। e4, e5, nf3, nc6, bb5, a6 और यहाँ पे बिशप इनटू c6। अब देखो कई बार आप ऐसे भी खेल सकते हो वाइट से और ब्लैक से, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी गेम्स ऐसे एक्सचेंज वेरिएशन में भी हुई है, इसीलिए यहाँ ट्रैप देखना जरूरी है। आफ्टर d into c6 यहाँ पे कैसलिंग, और बेस्ट चॉइस है f6। ओके, यहाँ पे वाइट के लिए बेस्ट चॉइस है d4। ब्लैक को ये पॉन मारना होता है, वाइट को नाइट टेक्स पॉन करना होता है। कंटिन्यू गेम, इसमें प्रॉपर लाइन है c5, लेकिन अगर कोई प्लेयर मिस्टेक करता है यहाँ पे c5 के बदले बिशप c5 करता है, तो यहाँ कंप्लीटली वाइट टू प्लेन विन, क्योंकि एक ही मूव का कॉम्बिनेशन है क्वीन h5 चेक विद डबल अटैक एंड क्वीन टेक्स c5। ओके, एक्सचेंज वेरिएशन में दूसरी टैप देखते हैं दोस्तों। मान लो कि बिशप टेक्स नाइट, हम बिशप इंटू c6 करते हैं, d into c6, और यहाँ पे कैसलिंग के बाद ब्लैक बिशप g4 पिन करता है, वाइट ट्राई करता है अटैक करने का, ब्लैक कई गेम में h5 करता है बिशप सैक्रिफाइस। अगर वाइट ये ट्रैप में फंस जाता है जैसे कि पॉन टेक्स बिशप, तो यहाँ पे ब्लैक कंप्लीटली विनिंग है, क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स पॉन नाइट के पास एक ही ऑप्शन है नाइट e1, बट आफ्टर क्वीन h4 अनस्टॉपेबल चेकमेट, f3 से चेकमेट बचाने का अगर ट्राई भी किया तो g3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है गेम बचाने का। बहुत ही शॉर्ट गेम है दोस्तों, इसीलिए शुरुआत में अगर आप ट्रैप में फंस जाते हो, आपने ऐसी कोई ट्रैप्स देखी नहीं है, तो आप फंस भी सकते हो और अपोनेंट को ट्रैप में ला भी सकते हो। ओके दोस्तों, ये वाली ट्रैप में बिशप g4 h3 और उसके बाद बिशप अगर h5 जाता है, वाइट यहाँ पे g4 करके पॉन प्लस हो सकता है नाइट इंटू e5, यहाँ पे सिंपल। लेकिन देखो अगर वाइट ब्लैक ने चाहा कि वो पॉन वापस ले और बिशप इंटू e4 कर दिया, तो यहाँ पे ब्लैक आपकी ट्रैप में फंस गया। यहाँ आपको खेलना है re1, क्वीन d5 क्वीन से सपोर्ट करेगा, यहाँ पे नाइट c3 के बाद क्वीन टेक्स e5 और रुक इंटू e4 के बाद कंप्लीटली क्वीन ट्रैप हो गई, क्वीन पिन हो जाएगी। तो ये थी फोर्थ ट्रैप। ओके दोस्तों, यहाँ पे bd6 वेरिएशन देखते हैं। आफ्टर कैसल ब्लैक प्ले बिशप d6, यहाँ पे आपको करना है d4, बिशप g4 पिनिंग, और यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक समझ रहा है कि यहाँ पे नाइट पिन है, तो बिशप टेक्स e5 किया, तो ये मिस्टेक होगी बहुत बड़ी और सिंपल मिस्टेक है, बिगिनर लोग ही ऐसी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि क्वीन d8 के बाद आपको नाइट टेक्स e5 और आप सिंपल पीस प्लस हो जाते हैं। दोस्तों ये ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिशप d6 के बाद जब आप d4 करते हो, तो कुछ लोग अगर f6 से सपोर्ट करना चाहते हैं, मान लो कि
पॉन टू एफ सिक्स, ये सबसे मिस्टेक वाली मूव है, क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, देन नाइट टेक्स पॉन, अब बिशप टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन एच फाइव चेक के साथ आपको अपना पीस वापस भी मिल जाएगा और हो सकता है इसमें डबल अटैक से आपको रुक भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों कई बार आप कैसल किए बिना भी वाइट से खेल सकते हो, जैसे कि अर्ली अटैक आप डी फोर। अब यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा एन एफ सिक्स, तो एन एफ सिक्स सबसे गलत मूव है, यहाँ पे नाइट टेक सी फाइव, बट आफ्टर नाइट टेक सी फोर क्वीन ई टू, और यहाँ पे ट्रैप में ब्लैक आ जाएगा, क्योंकि नाइट को बचाने के लिए अगर नाइट एफ सिक्स किया तो नाइट इंटू सी सिक्स डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन पे अटैक हो रहा है और आप यहाँ पे क्वीन विन हो रहे हो। दोस्तों ये वाली ट्रैप बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि टैक्टिकल मूव्स बहुत है इसमें। अगर ब्लैक ने बी टेक्स बिशप खेला यहाँ पे, बी इंटू सी सिक्स, बिशप इंटू सी सिक्स के बाद व्हाइट यहाँ पे डी फोर करेगा अटैक के लिए, ब्लैक टेक्स क्वीन टेक्स डी फोर, क्वीन एफ सिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग मूव है ब्लैक की ओर से भी और व्हाइट की ओर से भी। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा ई फाइव, क्वीन जी सिक्स, अब व्हाइट यहाँ पे कैसल करेगा और यहाँ ब्लैक खेलेगा बिशप बी सेवन। दोस्तों यहाँ पे व्हाइट के लिए बेस्ट चॉइस कुछ और है, लेकिन ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं। व्हाइट ने तीन चार मूव कैलकुलेट किए, जैसे कि ई सिक्स, अब ये मूव बहुत ही जबरदस्त है, देखने जाए तो व्हाइट के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा भी रिप्लाई है जहां ब्लैक विन हो रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए इसका रिप्लाई, अगर ब्लैक क्वीन टेक्स ई सिक्स करता है पहला चॉइस क्वीन इंटू ई सिक्स, तो व्हाइट विन हो जाएगा, आर ई वन से क्वीन पिन हो जाती है। ओके, दूसरी चॉइस है डी इंटू ई सिक्स, तो भी व्हाइट विन हो जाएगा, जैसे कि नाइट ई फाइव, और यहां पे डबल थ्रेट है डी सेवन मेट और क्वीन पे अटैक। थर्ड चॉइस जो है ई सिक्स के बाद, अगर ब्लैक लॉन्ग कैसल करता है तो यहां भी व्हाइट विन हो रहा है, कैसे, पॉन टेक्स चेक आफ्टर रूक टेक्स पॉन एंड क्वीन सैक्रिफाइस, और नाइट फोर से आपको क्वीन वापस मिल रही है। अब एक और चॉइस है ब्लैक के लिए एफ क्रॉस ई फाइव, अब आप सोचो कि यहां भी व्हाइट विन हो रहा है, क्योंकि नाइट ई फाइव विथ डबल थ्रेट डी सेवन और क्वीन पे, मेट की भी थ्रेट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ब्लैक के पास है, आप वीडियो पॉज करके खुद ही मुंह ढूंढिए। ऑलरेडी ब्लैक दो पॉन अप हो रहा है, जैसे कि क्वीन सैक्रिफाइस क्वीन जी टू, आफ्टर किंग टेक्स जी टू देन सी फाइव डिस्कवर चेक, और ये गेम कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी रुई लोपेज की सारी ट्रैप्स, मैंने बहुत सारी ट्रैप्स बता दी, टोटल आप सभी वीडियो देखोगे तो आपके पास 56 ट्रैप्स आ गई है। तो चेस ओपनिंग ट्रैप्स की ये जो रुई लोपेज के बारे में हम देख रहे थे, ये पूरी सीरीज यहाँ पे खत्म हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी तरह तरह की ओपनिंग सीखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।